नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। एमपी के मंदसौर जिले में घने कोहरे के साथ ही ठंडी हवा चल रही है, जिससे मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। तो वहीं यातायात भी धीमी गति से रेंगती हुई नजर आ रही है। सुबह घने कोहरे के साथ ही ठंडी हवाओं की दस्तक नजर आ रही है। वहीं ठंड की वजह से किसानों की फसलें भी लहराती हुई नजर आ रही है। हिट एंड रन को लेकर बनाए गए नए कानून के विरोध में 2 और 3 जनवरी को ऋषिकेश में सार्वजनिक क्षेत्र की सभी परिवहन संस्थाओं के वाहन चक्का जाम रखेंगे। ऋषिकेश शहर में 10 टैक्सी वाहनों की संस्थानों ने मिलकर यह निर्णय लिया है। इन 2 दिनों में संस्थाओं से जुड़े हजारों चालक केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करेंगे। नए कानून को काला कानून बताते हुए वापस लेने की मांग करेंगे। यूनियन ऋषिकेश में विक्रम संस्थाएं ई रिक्शा से जुड़ी हुई महासंघ की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता मंत्री विनय शाश्वत जी ने की और बैठक में प्रमुख विषय है जो केंद्र सरकार द्वारा चालकों के खिलाफ, सभी चालकों के खिलाफ बनाए जा रहे काले कानून के खिलाफ सभी लोगों ने एकजुट होकर आह्वान किया कि ये सभी हम लोगों के विरोध में है और हम सभी संस्थाएँ उसका घोर विरोध करती हैं। और कल 2 तारीख को और 3 तारीख को, आज रात 12 बजे से परसों 3 तारीख को रात 12 बजे तक सभी संस्थाएं विक्रम यूनियन से जुड़ी, विक्रम यूनियन रामझूला, विक्रम यूनियन तपोवन, ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, जेएसए, ई ऑटो सभी लोगों ने अपना पूर्ण समर्थन दिया बंद को। और पूर्ण रूप से कल और परसों हम अपनी गाड़ियाँ स्वयं अपनी गाड़ियाँ अपनी सामर्थ्य से बंद रखेंगे और इस केंद्र सरकार द्वारा बनाए जा रहे काले कानून का घोर विरोध करें। पौड़ी जिले के चौबट खाल विधानसभा के एकेश्वर ब्लॉक के जनता इंटर कॉलेज में पूर्व छात्रों का पुनः मिलन और विद्यालय का वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख नीरज पथारी तथा जिला पंचायत सदस्य कोटा सीमा सजवान द्वारा बतौर मुख्य अतिथि दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी गई। इस अवसर पर विद्यालय के पुरातन छात्रों, सेवानिवृत्त अध्यापकों के साथ ही विद्यालय को भूमि दान करने वाले लोगों और उनके परिजनों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महिपाल सिंह रावत द्वारा की गई तथा मंच संचालन शैलेंद्र गोडियाल, हरीश पोखरियाल तथा दीपावली द्वारा किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष महिपाल सिंह रावत ने सभी आगंतुकों तथा विद्यालय की प्रधानाचार्य प्रवीण सिंह द्वारा इस दौरान समय निकालकर विद्यालय में कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे पूर्व छात्रों तथा अभिभावकों का आभार जताया। प्रधानाचार्य प्रवीण सिंह जनता इंटर कॉलेज कि आप इस ग्रामीण क्षेत्र में आए, तो हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि कल नया साल भी है, 2024 लगने वाला है, तो इसमें हमने पूर्व छात्र जो यहाँ से पढ़े हुए छात्र हैं उनको और जो सेवानिवृत्त हुए हैं गुरुजन, उन सभी को सम्मानित करने का हमने एक आयोजन, भव्य आयोजन किया है। मेरा नाम चांदनी है, मैंने यहाँ से 2018 में 12th पास आउट किया है और जैसे कि जिस टाइम पे हम यहाँ पढ़ते थे तो उस टाइम से और अभी में बहुत चेंजेस दिखने को मिले हैं। तो जैसे कि बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी भी है और जितने सारे टीचर्स लोग भी हैं सारे क्रिएटिव हैं, पर जैसे कि यहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहे हैं तो हमारी संस्कृति से थोड़े अलग भी प्रोग्राम हो रहे हैं, पर जो प्रोग्राम है हो रहे हैं, जैसे बच्चों ने हिमाचली प्रोग्राम किया और अदर मतलब बहुत सारे गाने में ऐसे किया कि जो हमारी संस्कृति से थोड़ा हटके थे, पर हमें अपनी उन प्रोग्राम हमें दूसरे की संस्कृति को भी देखना चाहिए पर हमें अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। नए ट्रैफिक कानून के विरोध में संचालक परिचालक संघ की देशव्यापी हड़ताल है। हरिद्वार में भी हड़ताल का खासा असर देखने को मिला। ऑटो टैक्सी और यहाँ तक कि प्राइवेट और सरकारी बसों के पहिए भी जाम रहे। नए साल पर हरिद्वार पहुंचे हजारों यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिन भर यात्रियों को बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर घंटों इंतजार करना पड़ा। कोई सवारी ना मिलने के कारण सड़कों पर यात्री पैदल ही आवाजाही करते हुए दिखाई दिए। यात्रियों ने हड़ताल को लेकर खास नाराजगी जाहिर की।
परेशानी तो बहुत हो रही है। एक तो यहाँ के लोगों को ही पता नहीं था कि स्ट्राइक है, दूसरा बात अगर स्ट्राइक करना था तो अनाउंसमेंट करवाना चाहिए था, जो हम यात्री लोग जो आए हैं हम भी पता चलना चाहिए था। यहाँ के लोकल्स को ही पता नहीं है, हम यात्री कैसे पता करवाएंगे। उसके बाद हमारा जो बुकिंग किया हुआ है मसूरी में देहरादून से हमारा टिकट है तो वो सारा तो कैंसिल हो गया। नए वर्ष 2024 की शुरुआत हो गई है। इस वर्ष भगवान श्री राम भी अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। वहीं 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा, मगर विपक्ष राम मंदिर उद्घाटन को लेकर केंद्र सरकार को घेरने का कार्य कर रहा है। गुज्जर नेता और पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना ने राम मंदिर मामले में विपक्ष को राजनीति न करने की सलाह दी है और कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि 500 साल बाद हमारा सपना पूरा हो रहा है और अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है। सौभाग्य की बात है कि 500 वर्षों के बाद एक सपना जो था मंदिर का वो पूरा होने जा रहा है। इस पर कोई राजनीतिक रंग ना दिया जाए, ये हमारी 500 वर्षों की तपस्या है। न जाने कितने लोग इसमें कुर्बान हुए हैं, कितनी बड़ी कुर्बानियां हैं, आज से नहीं, न जाने कितने दशक हो गए, कितनी पीढ़ियां चली गई, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। खानपुर विधायक उमेश कुमार की पत्नी सोनिया शर्मा द्वारा नव वर्ष 2024 पर उपहार स्वरूप महिलाओं को स्वरोजगार की दिशा में परीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसमें क्षेत्र की महिलाओं को एलईडी बल्ब बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। खानपुर विधायक की धर्मपत्नी और पहाड़ परिवर्तन समिति की संयोजिका सोनिया शर्मा के मुताबिक इसका उद्देश्य क्षेत्र की महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना है। इसका परीक्षण पूरा होने पर महिलाएं अपने गृह क्षेत्र में ही रोजगार पाकर अपने जीवन में आर्थिक परिस्थितियों को सुधार सकेंगी। वहीं कार्यक्रम की प्रबंधक मानसी मिश्रा ने खानपुर विधायक की धर्मपत्नी सोनिया शर्मा का आभार जताकर कहा कि महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम सोनिया शर्मा के बिना संभव ही नहीं था। भारतीय सेना में अपने जोश के साथ और देश की सेवा में हर वक्त तमाम बॉर्डर में दिन रात ड्यूटी किए और अपने गांव का नाम हर वक्त ऊंचा रखा। मुखवा के निवासी विमल पाल सिंह, जो भारतीय सेवा में 2003 को भारतीय सेवा में प्रवेश किया था और 15 साल तक देश की सेवा में अपनी सेवाएं दी, जीने मरने के साथ ही सेना के द्वारा हर काम को बेखूबी किया, जिसको लेकर सेना सम्मान के साथ उनका फूल माला के साथ 1 जनवरी 2024 में भारतीय सेवा से रिटायरमेंट हुआ है। वहीं उत्तरकाशी पहुंचते ही उनका भव्य तरीके से परिजनों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस खुशी के पल में नाचते गाते भी उनका स्वागत किया गया। घर के परिजनों ने और बेटियों ने अपने पिताजी के साथ इस खुशी के पल में नाचे गाए, साथ ही भारतीय सेना का भव्य तरीके से ग्रामीणों ने भी स्वागत किया। इन दिनों पहाड़ों में जगह जगह देव पूजाएं चल रही हैं। कहीं भैरव और गोरियाल का नाच हो रहा है तो कहीं पांडव नृत्य और चक्रव्यूह मंचन। किरसाल गांव में पांडव नृत्य चल रहा है, जिसका आज यानी चक्रव्यूह का मंचन हुआ, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। आपको बताते चले कि गैरसैंण विकासखंड के किरसाल गांव में 23 साल बाद गैंडा यानी पांडव निश्चय का आयोजन चल रहा है, जिसके तहत भव्य चक्रव्यूह हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। वर्षों बाद गांव में हुए आयोजन में जहां देश विदेश से लोग पहुंचे, वहीं आसपास के गांव में से भी भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आयोजन को लेकर गांव के लोग उत्साहित हैं तो कौरव और पांडवों का किरदार निभा रहे युवा भी उत्साहित दिख रहे हैं। बाद हमारे यहाँ पर ये चक्रव्यूह का मंचन हो रहा है। आसपास के सभी गांव इसमें शामिल होते हैं और लोगों में बड़ा उत्साह है इसको देखने के लिए। हमारे जो बच्चों ने हैं, जो कलाकार हैं, इन्होंने बहुत पहले से इसकी प्रैक्टिस की है और बहुत अच्छा उल्लास भी इन बच्चों के में है। मंगलौर देवबंद मार्ग पर सुबह ही प्लास्टिक बैग बनाने वाली निजी फैक्ट्री में आग लग गई।
बताया जा रहा है कि सुबह एक कार देवबंद की ओर से मैंगलोर की ओर जा रही थी, वहीं तेज रफ्तार कार अचानक बिजली के खंभे से टकरा गई, जिस कारण बिजली के तार आपस में टकरा गए, जिससे कि फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे पूरी फैक्ट्री में आग लगी। सूचना पाकर तत्काल मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। गनीमत रही कि फैक्ट्री में आग लगने से कोई जनहानि नहीं हुई। आग लगने से फैक्ट्री में स्वामी को लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। ये घटना लगभग 7:56 की बात है कि हमें जो कोतवाली मंगलोर द्वारा जो फायर यूनिट को सूचना मिले कि ये देवबंद रोड पर आग लगी है, जिस पर हमारी एक गाड़ी मंगलोर, दो गाड़ी रुड़की, एक भगवानपुर, एक हरिद्वार द्वारा जो गाड़ी मंगाएगी, जिस जो आग जो कंट्रोल में है, आग की जो है जाँच करने के बाद ही कारण जो का पता चल पाएगा। ऐसा कोई नहीं है, जनहानि कोई किसी प्रकार की नहीं हुई है, संपत्ति का नुकसान है जो उसके बाद ही जो पता है, इसके द्वारा जांच करने के बाद ही जो कार्रवाई की जाएगी। मामला सदर कोतवाली अंतर्गत ललीपुर बाईपास पर स्थित काव्या भोजनालय का बताया जा रहा है, जहां पर मुख्य अभियंता राजीव माहेश्वरी 19 दिसंबर को इस संबंध में होटल की लाइट कटवा गए थे, लेकिन बिजली विभाग के कुछ और कर्मचारियों की मिलीभगत के बाद संबंधित होटल की लाइट जोड़ दी गई, जिसके बाद पुनः मुख्य अभियंता ने जब देखा कि संबंधित होटल में लाइट लग गई है, उसको दोबारा चेक करने के लिए वहां पहुंचे तो पाया कि ये लाइट कनेक्शन अभी भी सही नहीं है। संबंधित होटल संचालक और उसके परिवार ने बिजली विभाग के अधिकारी के साथ जमकर मारपीट की और वहां से अपनी वो जान बचाकर पुलिस की शरण उन्होंने ली और पुलिस को कार्रवाई के लिए शिकायत पत्र भी दिया। शिकायत पत्र देने के बाद पुलिस के द्वारा उनको जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर उनको प्राथमिक उपचार दिया गया। पूरा मामला सदर कोतवाली अंतर्गत का बताया जा रहा है। रायबरेली के लालगंज में देर रात शॉर्ट सर्किट से इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। लालगंज अलीनगर निवासी मोहम्मद इस्माइल पुत्र स्वर्गीय जिब्राइल की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से देर रात भीषण आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख में तब्दील हो गया। जैसे ही इसकी जानकारी दुकानदार को हुई, वह तत्काल अपनी दुकान पहुंचा और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया था, लेकिन जब तक सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि आग लगने से लगभग 6 लाख का नुकसान हुआ है। जैसे ही इसकी सूचना सुबह व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को हुई, वह तत्काल मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्माइल। कहाँ के रहने वाले हैं? अलीनगर के। क्या हुआ है? बिजली शॉर्ट सर्किट से हुआ। कैसे, क्या आग लगी थी? आग लगी थी रात में 12 के समथिंग। फायर स्टेशन सूचना दी है? हाँ, आई थी फायर ब्रिगेड। नुकसान कितना हुआ लगभग? नुकसान समथिंग 6 बजे के समथिंग हुआ। मैनपुरी के प्राइवेट अस्पताल सतीश नर्सिंग होम में उस समय सनसनी फैल गई जब एक प्रसूता की डिलीवरी ऑपरेशन के 24 घंटे बाद हालत बिगड़ने से लापरवाही के चलते मौत हो गई। मौत के बाद अस्पताल में कोहराम मच गया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल संचालक डॉक्टर अभिषेक गुप्ता को फोन कर बार बार बुलाते रहे, लेकिन उन्होंने अस्पताल में आकर प्रसूता को उचित देखना उचित नहीं समझा। आप ये भी है कि वहां मौजूद अनट्रेंड साफ सफाई करने वाले कर्मचारी प्रसूता का उपचार करते रहे और उसी की लापरवाही के चलते उसकी मौत हो गई। ये अर्चना वाइफ ऑफ इतन कुमार जो दिवाली पर रहने वाले थे, इनका कहना कि 21 तारीख की रात को ये जो पत्नी ने एडमिट किए थे, डिलीवरी होनी थी और 21 तारीख को ऑपरेशन हुआ था। रात में उनकी तबीयत खराब हुई थी, उसके बाद डॉक्टर समय से नहीं पहुँच पाए थे, इलाज उसके बाद स्टार्ट किए जब इंजेक्ट हुए। उनका अपना कहना है, अब इसके बाद हमें उसकी जाँच होगी इसकी कि क्या पूरा क्या मामला है, जो विधिक कार्रवाई होगी इसकी वो सख्त की जाएगी। बहराइच में श्रीधाम अयोध्या में पूजित अक्षत कलश यात्रा नगर में भव्यता के साथ निकाली गई। कलश यात्रा में हजारों की संख्या में श्रीराम भक्त महिला पुरुष श्रद्धालु शामिल रहे। कलश यात्रा के शुभारंभ अवसर पर राम भक्त जनमानस महाराज सिंह इंटर कॉलेज के परिसर में एकत्र हुए। इंटर कॉलेज में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री रविशंकर महाराज ने कहा कि हमारे मन में भगवान राम आदिकाल से स्थापित है,
आज भारतीय संस्कृति में भी भगवान राम के आदर्श स्थापित हो रहे हैं। ये सनातन और हिंदू धर्म के लिए गर्व का विषय है। स्वामी विष्णुदेवाचार्य ने कहा कि प्रभु सीताराम की अपार कृपा है कि 500 साल पूर्व हमारे पूर्वजों ने जो कल्पना की थी आज वो साकार हो रहा है और सनातन संस्कृति की स्थापना हो रही है। पीढ़ियों ने श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण हेतु संघर्ष किया, किंतु हम सौभाग्यशाली हैं कि अपने आँखों के सामने प्रभु श्री राम मंदिर निर्माण होते हुए देख रहे हैं। महामंडलेश्वर ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा जो संकल्प लिया गया था आज वो पूर्ण हो रहा है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।